मेरठ के प्रतापपुर हाईवे स्थित कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। कार पर बरसाए डंडे, फिर कार सवारों को गाड़ी से निकालकर पीटने लगे। तीन कार सवार लोग मौका पाकर भाग गए और एक उनके चंगुल में फंस गया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए और लात घूंसे डंडे से काफी देर तक पीटते रहे। कांवड़ियों के बीच फंसा मुस्लिम माफी मांगता रहा, छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, तब कांवड़ियों ने युवक को पीटना बंद किया लेकिन उसे काफी देर तक पकड़े रहे। कार की छत पर चढ़कर जमकर हंगामा किया, बोलबम के नारे लगाए और कार सवारों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। घटना शुक्रवार सुबह की प्रतापपुर के काशी टोल प्लाजा के पास की है। घटना का वीडियो भी सामने आया। घटना पर कांवड़ियों ने कहा, कार रॉन्ग साइड से आ रही थी, हम लोग हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे थे, इस कार ने कार में टक्कर मार दी, इससे कांवड़ खंडित हो गए। इसके बाद कार सवार गलत बात करने लगे। कांवड़ी जब हाईवे पर मारपीट कर रहे थे तब कुछ लोगों ने उनका वीडियो बना लिया। वीडियो में कांवड़ी कह रही है, हम लोगों ने कार सवारों को इशारा किया है कि कांवड़ लेकर आ रही है, उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा भी किया था लेकिन वह नहीं माने, इस कारण हादसा हो गया। कांवड़ियों ने कहा, हम लोग हरिद्वार से नंगे पांव पैदल कांवड़ लेकर आ रही हैं, ये सब किस लिए है? हमारे पैरों में छाले तक पड़ गए, पैरों के छाले दिखाते हुए कहा, इन जख्मों को सहते हुए हम कांवड़ ला रही हैं, इन्होंने सब मेहनत बेकार कर दी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि कांवड़िये का जल खंडित हुआ है, उसे समझा बुझाकर शांत कराया गया। दोनों पक्षों से बात की है, दोनों पक्ष किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते थे, दोनों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। एसपी साहब, अभी एक तोड़फोड़ हुई है कांवड़िये खंडित तो हुई है कांवड़, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, आज थाना प्रतापपुर के थाने क्षेत्र में ये थाना, ये प्रतापपुर इंटरचेंज पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड जा रही थी, तो उसमें हल्की गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और उनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके हैं।